यह एक बात ध्यान में रखो, आप हरदम आगे बढ़ोगे। चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक युवक था, बिजनेस अच्छे चालू था और कुछ कारण ऐसा हो गया कि वो कारणवश काफी उसको नुकसान बिजनेस में हुआ। वो नुकसान के कारण उसको उसकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, जो भी उसका मकान दुकान सब बेचना पड़ा। बैंक पूरी साफ हो गई, बैंक में से पैसा पूरा उठ गया। उसने लोगों से पैसा लिया हुआ था तो वो भी उसको वापस नहीं दे सका, तो बैंक करप्ट से आ गए, लोग पैसा मांगने के लिए आए, दे ना सका। तो सब तरह से ऐसा जाम होने के बाद में उसको लगा कि मेरा बहुत ही लक खराब है, मैं तो पूरा डूब गया हूँ, बैंक करप्ट हो गया हूँ, दिवाला पिट दिया है, अभी मैं क्या करूँ। और अभी ये युवक जो है वो बहुत ही निराश उदास अवस्था में एक बगीचे में जाके बैठ जाता है और अपने नसीब को दोष देते बैठता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे आता ही नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। उसने सब पूरा बंद कर दिया कारोबार और बस हताश और उदास बगीचे में जाके बैठना, वापस आना, घर में खाना खाना, ऐसा करता था। उसने सब काम करना छोड़ दिया। एक दिन बगीचे में बैठा था तो एक काफ़ी बूढ़ा इंसान उसके पास में आया। उसको बोला कि देख, मेरा नाम है किंग एंडरसन, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास में बहुत संपत्ति है, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तो उसने बताया कि मुझे काफ़ी सारा नुकसान हुआ, मुझे मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरा नसीब खराब है, अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मैंने खुदकुशी करना चाहिए। तो किंग एंडरसन बोले, मैं हूँ और मेरे पास में काफ़ी सारी संपत्ति है और मैं तुमको ये 10 करोड़ रुपए का चेक मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप ले लो और आपने ये चेक का इस्तेमाल करना है, पैसा वापरो और अच्छा बिजनेस करो, एक साल के बाद में मैं आपको यहीं जगह पे मिलूंगा, आप मुझे वो पैसे वापस कर देना। तो उसको बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है अननोन और अपने को 10 करोड़ रुपए का चेक देता है और बोलता है कि भाई 10 करोड़ रुपए आप वापरो, बिजनेस करो और पैसा कमा के मुझे मेरा 10 करोड़ वापस करो, ये तो भगवान आ गया। बहुत खुशी खुशी वो पैसे लेता है। उसको लगता है कि अभी मैं क्या करूँ, नाचने लगता है, घूमने लगता है, मगर अभी वो सोचता है कि भाई उसने मुझे 10 करोड़ तो दे दिए, अभी मेरे पास में है, बैकअप है, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी रिस्क ले सकता हूँ। उसने क्या किया, फिर से धंधा चालू कर दिया। वो चेक उसने लगाया नहीं बैंक में, वो चेक वैसे ही रख दिया और उसने फिर से बड़े ताकत से, बड़े जोश से फिर सब बिजनेस खड़ा कर दिया और देखते 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 उसको फायदा होना चालू हो गया। एक साल बाद जब वो बगीचे में फिर से वहां गया तो घूमते घूमते वही वृद्ध व्यक्ति जो था वो वहां आया था, बोले मैं आपको ये चेक वापस लौटाने आया हूँ, और उसको वो चेक देने लगा। उतने में एक नर्स जो है वहां से पीछे से दौड़ते दौड़ते आ रही थी, बोले कि अरे बाबा जी आप कहाँ जा रहे, बाबा जी आप कहाँ जा रहे, इसलिए उसको पकड़ने लगी। जो युवक था उसको ताज्जुब लग गया है क्या है, उसने पूछा नर्स को कि क्या बात है। उसने बोला कि नहीं, ये तो हमारे हॉस्पिटल में बूढ़े लोगों के लिए, मतलब डिमेंटिक जो लोग हैं जिनका दिमाग खराब हुआ है, वो हॉस्पिटल से ये रोज ऐसे ही बाहर घूमते रहता है, निकलते रहता है, कि इसको कुछ देते रहता है, बातें करते रहता है, इसको मैं पकड़ के फिर से लेने आई हूँ। तब उसको मालूम पड़ता है कि ये कुछ किंग एंडरसन नहीं था, ना उसका 1 करोड़ का बैंक बैलेंस था, ना कुछ था, और फिर वो ताज्जुब करने लगा कि ये ऐसा हुआ ही कैसा। देखिए हुआ क्या कि वो व्यक्ति ने उसको 10 करोड़ का चेक दिया, अभी उसको एक लगा कि नहीं अभी मुझे बैकअप है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया, मैं यदि कुछ कम पड़ा बिजनेस में, यदि कुछ भी हो गया तभी मेरे पास में भी 10 करोड़ का चेक है, मैं वापरूंगा नहीं मगर बैकअप मेरे पास में, ऐसा उसका विश्वास हो गया, विश्वास उसके दिमाग में आ गया और वो काम धंधे पे लग गया। देखो हुआ क्या है, पहली अवस्था में जब बैठा था तो उसने पूरा एक्शंस छोड़ दिए थे, कुछ एक्शन नहीं करा था, कोई कृति नहीं करा था, सब बैठ जा, पूरा बैठ जाने के बाद में वो खुद जाके बैठ गया बगीचे में। अब क्या हो गया, सिर्फ चेक अपने पीछे है 10 करोड़ का और उसका इस्तेमाल करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी रिस्क उठा सकता हूँ, कुछ भी पॉसिबल है मेरे को बिजनेस में, ये दिमाग में आता है और वो काम को लग जाता है। देखो पहले केस में क्या थी, पहले केस में एक्शन बिल्कुल नहीं थी और दूसरे बार क्या हो गया, चेक आने के बाद में उसकी एक्शन शुरू हो गई। देखो दुनिया में हमको यश तभी मिलता है, सफलता तभी मिलती है जब आप एक्शन लेते हो, कृति को कोई पर्याय नहीं है। लोग क्या कृति करते नहीं है, एक्शंस लेते नहीं है, जब आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप 10 एक्शन लेंगे उसमें कि 9 एक्शन फेल हो जाएगी, 1 एक्शन जो लेंगे ना उसमें इतनी सफलता मिलेगी कि पूरे 9 एक्शन जो पिछले की जो फेल हो गए ना उसकी पूरी कसर ये एक एक्शन भर के निकाल देगी। होता क्या है कि हम ख्याली पुलाव बहुत दौड़ाते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर आलसीपना करेंगे,
आलस में बैठे रहेंगे, आज का काम कल, कल का काम परसों करेंगे। अच्छा, कुछ काम करने निकले भी तो फिर कुछ रीजंस बताएंगे कि नहीं ये रीजन हुआ इसलिए मैंने वो काम नहीं किया, ये रीजन आ गया इसलिए मैंने काम नहीं किया, या फिर अंदर ही अंदर अपने को दिमाग में अपनी आवाज आते जाएंगी, नहीं आज का दिन जान दो कल करेंगे, आज तो दिन अच्छा नहीं, अपना लक ठीक नहीं, लोग मिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ तो भी बोल के काम से विड्रॉ हो जाएगी। सफल आपको होना है तो एक चीज ये ख्याल में रखो कि आपको एक्शंस करते जाना पड़ेगा, एक्शंस करो, और जब एक्शंस करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको मदद करेगा, आपके काम में आएगा। जैसा ये वृद्ध व्यक्ति जो था, बूढ़ा व्यक्ति, वो काम में आ गया इसके, और वो जैसा भगवान जैसा आ गया, उसने उसको चेक दे दिया तो उसको लगा कि भाई भगवान आ गया और भगवान ने चेक दे दिया, अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है। मजे की बात यह है कि पहले एक्शन रुक गई थी, अभी एक्शन आ गई और एक्शन से उसको सफलता मिली। तो बिना कृति आपका कभी उद्धार होगा नहीं। आपको उद्धार करना है, आपको सफलता पानी है, तो आपको कृति करनी ही पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी, हरदम एक्शन में रहना पड़ेगा। और यदि आप एक्शन में रहते हैं तो सफलता आपकी पांव चूमेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी आप वो लोगों को शेयर करो जो एक्शन लेने में आगे पीछे करते हैं, जो एक्शन पोस्टपोन करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे यश नहीं मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।